for full coverage, then go with the Wet n Wild full. Then go with the Wet n Wild Foco. So hello everyone, my name is Srishti and welcome back to my channel. So as you read by the title, I'll show you what I carry with me. So let's pack a makeup bag, and this is the bag. This bag is from Miniso and बहुत अच्छा बैग है, बहुत अफोर्डेबल बैग है. मैं बहुत टाइम से ये बैग को यूज कर रही हूँ एंड इसमें और एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं मेरे मेकअप ब्रशेस को स्टोर करती हूँ एंड और बहुत ह्यूज है. एज यू कैन सी दिस इज वेरी ह्यूज एंड या एंड एज यू कैन सी बहुत गंदा हो चुका है बिकॉज मैं यूज करती हूँ. येस, तो मैंने सारा मेकअप यहाँ पे निकाल दिया. अगर मैं आपको बताऊंगी तो बहुत सारा मेकअप है. यूजली मैं कितना मैं सामान कैरी करती हूँ एंड मैं आज मैं क्या क्या कैरी करके मतलब मैं कैरी कर रही हूँ. सो येस, सो स्टार्टिंग विद द स्किन केयर. लाइक स्किन केयर मस्ट. सो प्रेपिंग हमारी स्किन को, हम मेकअप के पहले जो प्रेप करते हैं उसके लिए मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज आई एम हाईली रिकमेंड. फोकस नहीं हो रहा बट एज यू कैन सी द हाइलुरोनिक फेस सीरम एंड आप देख सकते हो मैंने उसको कितना यूज किया है. एक्चुअली आपको उसको एकदम अच्छे से शेक करना है एंड देन यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट. और उसके पहले देन आई यूज दिस निविया क्रीम. सो आई ऑलवेज टेक अ बिग टब विद मी बिकॉज एज आई सेड मैं जाती हूँ तो ट्रैवल करती हूँ. सो आई नीड बिग टब. बट अभी मैं सिर्फ वन डे है सो आई कैरी, आई ऑलवेज कैरी. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक रखती हूँ, आई कैरी टू और थ्री बिकॉज एक मेकअप पाउच मेरा रहता है, देन एक स्किन केयर में, एक मेरे नॉर्मल बैकपैक और जो मैं कैरी करती हूँ उसमें. सो राइट, सो मैं एक एक प्रोडक्ट डालती भी हूँ. सो आई कैरी दिस दो एंड सेकेंड माई मॉइस्चराइजर, ऑल टाइम फेवरेट निविया. ये बहुत छोटी सी है एंड येस, सो मैं ये कैरी कर रही हूँ. देन फॉर प्राइमर आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू बट राइट नाउ आई एम माई फेवरेट, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था. सो दिस इज द मेबलिन. फोकस नहीं हो रहा है गाइस, द मेन इश्यू इज द फोकस. येस, एज यू कैन सी दिस इज द मेबलिन फिट मी प्राइमर. इसमें दो वेरियंट आते हैं. सो मैंने ड्यूई प्लस स्मूथ लिया बिकॉज यू गाइज नो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आई हैव ड्राई स्किन. सो आई नीड सम ड्यूईनेस ऑन माई फेस. सो येस, फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस प्राइमर एंड आई रियली लव. जब से आया तब से मुझे था कि मुझे ये प्राइमर चाहिए. सो आई एम और इसके ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करके भी मैं एक वीडियो बताऊंगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं. एंड आई रियली 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 लव दिस प्राइमर एंड फॉर माई पोर्स बिकॉज आई हैव पोर्स. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस इनसाइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर एंड आई genuinely love this primer. This primer is so affordable but I really love it. aisa nahi it makes your T zone like jahan bhi aap apply karoge it's really look blurred and look matte because yahan pe zyada oil bhi aa jata hai. so iske liye bhi bahut acha hai. oily skin type you can use this product. or if you have dry oily skin aur aapko maybelline ka ye try karna hai because dry that oily wala bhi bahut acha hai. so if you want so you can go with that blue color one. matte finish ka aata hai aur buy it from amazon because amazon pe aapko bahut reasonable price like discount mein mil jayega. and so disturbance guys, disturbance because ye meri galti hai. मैं रात के कुछ 12 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता. मैं रात को ही वीडियो आगे शूट करती हूँ. फॉर बेस आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग. सो आई विल शो यू वन बाय वन. सो पहले से आई यूज दिस कलर करेक्शन बाय एले गर्ल प्रो कंसीलर इन दिस शेड ऑरेंज. दिस कंसीलर इज लाइक अमेजिंग. एज यू कैन सी मैं बहुत यूज करती हूँ इसको, लाइक बहुत टाइम से यूज करती हूँ एंड आई रियली लव इट. बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करता है ये. और इसका एक शेड है जो प्योर बेज, बहुत वायरल हुआ है. सो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैट वन आउट एज वेल बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द शेड प्योर बेज. दैट इज वाई. एंड प्योर बेज इज मतलब प्योर बेज, बेज मीडियम बेज बहुत सारे, बट एले गर्ल के कंसीलर्स आर द बेस्ट कंसीलर्स. सो या, कलर करेक्शन मस्ट जाना है अंदर. आफ्टर आई एम डूइंग माय कलर करेक्शन आई वांट सम कलर जो कि मेरे स्किन टोन से ऑलमोस्ट
सेम हो या सिमिलर हो. सो दिस इज द मेबलिन फिट मी कंसीलर एंड दिस इज द मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर, जो कि आप सभी को पता होगा. एंड यू कैन सी हाउ मच आई यूज दिस कंसीलर. ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव मैंने इतना खत्म कर दिया है ये कंसीलर को. सो या एंड दिस इन द शेड 40 कैरमल एंड दिस इन द शेड कैरमल अगेन. सो बोथ द शेड्स आर द सेम बट द कंसिस्टेंसी एंड द कवरेज जो हम बोल सकते हैं बहुत डिफरेंस है. बिकॉज ये लाइक आप डे टू डे बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, बट दिस कंसीलर यू कैन यूज डे टू डे बेसिस बट इट इज अ फुल कवरेज कंसीलर एंड दिस इज लाइक मीडियम कवरेज कंसीलर. दिस इज अ फुल 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 कवरेज कंसीलर. सो एज यू नो कि आई वॉन्ट फुल कवरेज, आई एम अ फुल कवरेज गर्ल फॉर माई मेकअप. लाइक स्टेज के लिए फुल कवरेज नीडेड है. सो आई एम कैरिंग दिस एंड बहुत प्यारा कंसीलर. इफ यू आर वंडरिंग दिस शेड आई विल शो यू. मतलब एज यू कैन सी दिस इज वेरी डार्क, करेक्ट? मतलब मैच, मतलब इफ आई ब्लेंड इट सो वो मैच हो जाएगा, तो वो ऑरेंज कलर करेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से उसके ऊपर एक लेयर देके थोड़ा सा मैच हो जाता है मेरी स्किन टोन से. सो मैं ये कैरी करूंगी और ये कंसीलर नहीं. सो यस, एंड आई एम करंटली यूजिंग दिस फाउंडेशन बाय नायका, नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन. आई एम इन दिस शेड 09 डेजर्ट हनी. आई थिंक कि ये शेड इज ऑल्सो डार्क फॉर मी. यस यस, दिस इज अ डार्क फॉर मी. आई थिंक माई शेड इज 07 हनी और समथिंग 07 दैट आई नो. सो यस, एंड आई थिंक मैं बहुत बोलती हूँ. दैट्स सो दिस इज द लाइक आई गेस मीडियम कवरेज फाउंडेशन. दिस इज द मीडियम कवरेज फाउंडेशन एंड मुझे जो पसंद है दैट वन इज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन. इफ यू आर फुल कवरेज देन गो विद द वेट एंड वाइल्ड फोटो फिनिश फाउंडेशन. आई एम इन द शेड गोल्डन बेज एंड दैट इज माई परफेक्ट शेड. डोंट गो लाइक सब में अलग अलग होता है. लाइक आप ये ब्रांड में जाओगे तो आपका गोल्डन शेड थोड़ा सा डार्कर होगा, ये ब्रांड में थोड़ा सा मीडियम रेंज में होगा, ये ब्रांड में थोड़ा सा ब्राइटन होगा. सो ऐसा होता है. सो यस, सो दैट्स वाई आई एम कैरिंग दिस. मतलब ये ऐसा नहीं कि बुरा है, अच्छा है. सो लेट्स सी, मैं कभी कभी यूज करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ. डायरेक्ट मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ, कौन सा वो मैं आपको बताऊंगी. सो फॉर हाईलाइटिंग कंसीलर आई हैव, ओ माई गॉड, my baby, my all time, my very expensive product from my entire haul, my entire makeup collection. ये मेरा expensive product है जितना मुझे याद है. This is and my luxe product as well, I guess. मेरे पास और कुछ है मुझे याद नहीं है, but this is my luxe product. This is the concealer by, focus हो जाओ please हो जाओ. Too Faced, oh my god, Too Faced multi use sculpting concealer and I'm in the shade warm beige. And this concealer is not, I'm not using as concealer because it's not lighter. It's perfectly, because मैंने इसको as a not concealer के जैसे लिया था, इसको मैंने as a my skin tone लिया था. So this is my perfect skin tone. Sometimes अगर मैं बहुत दिन से घर पे रही so ये भी मेरे लिए dark हो जाता, but it's fine. So yes, and I use this concealer for my entire base. If I'm not using this foundation, I'll use this. And this is the perfect, perfect match for me. Yes, this is the full, full coverage. And jab bhi maine liya tha, look at the, oh, and shade. Oh my God, see? Abhi achhe se skin mein blend ho gaya. That means this is my shade and not use. Ab kabhi bhi yahan pe dekh ke mat lo, yahan pe dekh ke match karke lo. वैसे ही करना, वरना आपको रॉन्ग फाउंडेशन शेड मिल जाएगा. एंड ये प्रोडक्ट जब भी मैंने लिया था, ओ माय गॉड, मैं इतने टाइम से विश लिस्ट में था एंड मैंने ले लिया. एंड दिस, इफ यू गाइस वांट टू ट्राई दिस सो यू कैन गो विद, आराम से, कोई बात नहीं, सिर्फ आराम से. इफ आपको अगर देखना हो कि नहीं मुझे ये यूज करना है, तो आप थोड़े से पैसे बचा के आप ये कंसीलर यूज कर सकते हो. बट अगर आपको लाइक सेम ऐसा ही शेड चाहिए, सेम आपको ऐसी ही फिनिश चाहिए, कवरेज चाहिए, सब कुछ चाहिए इन अफोर्डेबल वर्जन, सो आई हैव फॉर यू गाइज, दैट इज, आई शो यू राइट नाउ. आई हैव, दिस इज द स्विस ब्यूटी का कंसीलर. दिस इज द स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 04 मीडियम बेज एंड दिस इज द वॉर्म बेज. सो बेज बेज एंड दोनों भी शेड्स आप कैसे बताऊ, इसमें थोड़ा सा है बिकॉज ये मैंने एम टी ब्लॉग में बताया था. एंड दिस सी,
अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेगा बिकॉज दिस इज ए वॉर्म एंड दिस इज ए मीडियम वेज. आफ्टर ब्लेंडिंग दे बोथ लुक, सी आफ्टर ब्लेंडिंग दे बोथ लुक द सेम. सो दैट्स दैट. एंड फिनिश इज सेम, कवरेज सेम एज यू कैन सी. सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस कंसीलर एंड यू कांट अफोर्ड इट जस्ट लाइक मी, सो यू कैन गो विद दिस कंसीलर. यस. ओ सो अभी मैं ये ले रही हूँ मेरे साथ. एंड देन फॉर पाउडर से, लाइक बहुत टाइम से मैं ये फिटमे का लूज पाउडर यूज करती थी. ये भी डार्क है, पता नहीं क्यों. वो लाइटिंग इतनी ऐसी होती है ना कि एक्चुअली क्या हो जाता है ना, मेरा नेक और फेस का कलर इज डिफरेंट, बहुत अलग है. सो और हमें हमेशा नेक के अकॉर्डिंग लेना चाहिए. तो हमेशा मेरा बेस डार्क दिखता है एंड जो वहां पे होते हैं मैं उनको बताती हूँ, बट वो लोग बोलते हैं कि नहीं आपका शेड ये नहीं है. सो या आपको जो लगे सही आप वही करो, उनका मत सुनो. यस, वरना डार्क शेड उठा के लेके आ जाओगे मेरे जैसे. सो दिस इज द मेबलिन फिटमे लूज पाउडर. एवन नोज कि बहुत फेमस है, सबको पता है ये ब्रांड और बहुत ड्रग स्टोर ब्रांड है. इफ आई वॉन्ट टू बाय परफेक्ट शेड सो दैट माई शेड इज 20, आई गो विद द 20. एंड मैं ये यूज कर रही थी बहुत टाइम से एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस अगेन द मेबलिन फिटमे कंसीलर कॉम्पैक्ट. एंड आई लुक स्पंज की हालत भी हो चुकी है एंड ऑलरेडी मैं अगर आपको ऐसे दिखेगा ऑलमोस्ट पैन हिट हो गया है एंड द शेड इज सो परफेक्ट, लाइक सो परफेक्ट. आई लव जो कंसीलर्स एंड होता है मुझे न्यूट्रल अंडरटोन में और येलो अंडरटोन में ज्यादा पसंद है. आई विल गो विद द मोस्ट ऑफ द टाइम विद द येलो अंडरटोन थिंग एंड येस समवेयर बिटवीन है. सो येस एंड द शेड इज वॉर्म न्यूड. सी आई टोल्ड यू आई लव न्यूट्रल एज वेल एज वॉर्म. So warm nude is my shade. If you are wondering and if you are close to my skin tone, so you can go with this warm nude. And so main kaun sa carry karungi? I'll carry this one. Now for bronzer, my all time favorite. Like I have a lot. Abhi I think mujhe zyada nahi batana chahiye, but I'm right now I'm carrying this. Warna video bahut lambi ho jayegi. Aur main yahi use karti hu. By the way, oh focus ho ja. Yes. So this is the Sugar Contour D4's Mini Bronzer and in the shade Top Topper 01 and look at the shade. This is not a warmer side or cooler side, it's very in between. See? And I hit the pan because I really like it. Yahan pe nahi dikhta because jab main ye, it's like very if you are like फेयर और ब्राइटर देन मी, सो ये परफेक्ट शेड है. सो अगर मैं बेस करती हूँ देन ये मेरे स्किन टोन पे शो होता है, अदरवाइज नहीं होता है. बट मुझे ज्यादा भी लाइक शार्प फीचर्स नहीं पसंद बिकॉज आई ऑलरेडी हैव फीचर्स लाइक वेरी इंटेंस, वेरी इनहेंस. आई ऑलरेडी हैव, मुझे शो करने की जरूरत नहीं है. मतलब अगर मैं करूंगी ना तो ज्यादा दिखेगा, दैट्स द पॉइंट. सो मैं बहुत लाइट शेड यूज करती हूँ, मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ. सो या सो ये भी मैं कैरी करूंगी ना. बाय द वे मैंने कुछ शेड वेड नहीं देखा था दैट टाइम, मैंने जस्ट पैकेजिंग एंड शुगर ब्रांड देख के खरीद लिया. सो या एक ब्लश था जो आई कैरी एवरीवेयर. आई डोंट नो कि वो ब्लश कहाँ पे है. अगर मुझे मिला ना एंड यू गाइज लव ब्लश विथ शिमर एंड हाईलाइटर देन यू कैन गो विद दैट ब्लश. मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी अगर मैं कुछ करूंगी तो, बिकॉज दे द ब्लश वॉज सो अमेजिंग द फिनिश. एंड बिकॉज जब भी मैं लगाती थी ना, आई डोंट नीड ऑफ एनी हाईलाइटर बिकॉज हमें बहुत जल्दी जल्दी मेकअप करना पड़ता है कभी कभी. सो वो ब्लश ऐसा था ना कि मैं ऐसा लगाऊंगी और तुरंत वहां पर मुझे हाईलाइटर लगाने की भी अलग से नीड नहीं थी. सो येस, बट राइट नाउ आई एम नॉट कैरिंग एनी ब्लश बिकॉज आई शो यू वाई. Because I carry this palette with me, as you can see, I bought the Makeup Revolution eyeshadow palette. I not bought, my sister, usne mujhe gift diya, pre birthday gift. If so, yes, this palette and one more palette, jo usne mujhe gift kiya, and I really love. Wo main baad mein bataungi, bahut maine baatein kar li. So I have one another palette. This palette. This palette and I'll show you this palette and I guess one more palette. मैं कैरी करती थी लाइक ऑल द टाइम, लाइक ये कैरी करती थी बिकॉज इसमें
मिरर है ये, मुझे शायद 2 साल पहले बर्थडे गिफ्ट मिला था, एंड ऐसा नहीं कि मैंने रख दिया है, मैंने उसको बहुत यूज़ किया है. एंड एज यू कैन सी आई ऑलमोस्ट हिट द पैन इन ऑल द कलर्स, मतलब ऐसे नहीं मैंने कुछ भी नहीं, ये ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ये वेरी न्यूड पैलेट है. अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो विद दिस पैलेट, बहुत रीजनेबल प्राइस में है, ड्रग स्टोर अपना इंडियन लोकल ब्रांड है शायद, एंड द शेड्स आर वेरी कूल एंड इन वेरी न्यूट्रल अंडर टोन्स लाइक डे टू डे बेसिस. यहाँ के सारे शेड्स हैं जो आप, वेट, यहाँ के सारे शेड्स आप डे टू डे बेसिस में यूज कर सकते हो. कैसे बताओ, लाइक डेली लाइफ में आप यहाँ के शेड्स यूज कर सकते हो, डेली लाइफ, यस डेली लाइफ, और डे मेकअप में, और नाइट में यू कैन गो विद दिस साइड, लाइक वेरी शिमरी, वेरी स्मोकी काइंड ऑफ, एंड यस. सो ये पैलेट में बहुत यूज करती थी, और इसमें मिरर है, दैट्स वाई मैं ये कैरी भी करती थी. देन आई हैव दिस पैलेट बाय हुदा ब्यूटी, दिस इज द फेक हुदा ब्यूटी पैलेट, बट द कलर, द फिनिशिंग, एंड दिस इज माई लाइक सेकेंड आई शेडो पैलेट. आई एम नॉट रिमेंबर, बट दैट टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड आई शेडो पैलेट बाय हुदा ब्यूटी, बट बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6,000, एंड आई वॉन्टेड द हुदा ब्यूटी एंड दिस शेड. लुक एट दिस शेड्स, ओ माई गॉड, बहुत अच्छे थे. एंड एज यू कैन सी आई ऑलरेडी ऑलमोस्ट हिट द पैन इन एवरी, ईच एंड एवरी शेड्स. इसमें ब्राउन है, पिंक है, गोल्डन है, ब्लैक है, सारे शेड्स है. जो पिंक शेड है मैं उसको एज अ ब्लशर अभी भी यूज करती हूँ. दिस शेड आई एम यूजिंग एज हाईलाइटर, ये सारे मुझे आईलेट्स के लिए काम आते हैं. समटाइम आई यूज दिस पिंक कलर फॉर सम शिमरी काइंड ऑफ थिंग डिरेक्टली. देन दिस एंड दिस शेड आई अभी भी मैं यूज करती हूँ फॉर माई ब्राउज, एंड द ब्राउन शेड इज फॉर ट्रांजिशन शेड. समटाइम आई यूज दिस शेड एंड दिस शेड फॉर माई ब्राउज एज वेल. सो दिस इज वेरी मल्टी यूजिंग पैलेट. So yeah, that's why I'm carrying this. But one more thing, I have this palette. This palette is from Beauty Glazed, and this is the Beauty Glazed, very popular in lockdown. It's bahut popular hua tha. This is the Colourbord eyeshadow palette. I don't really like the flimsy thing because look at the palette. Kuch bhi hua, I don't care. That's a green, orange red, there is a blue and purple thing, there is some pink shades with purple. Oh, main dekh rahi hu, sorry. So, and as you can see, I hit the almost this. And the glitters, it has shimmers, glitters, mattes, sare hi shades bahut pigmented hai. I'll give you baad mein achhe se review. So, isme I use this green and I use only this silver. Because, aur main uske liye main hamesha ye palette pura carry karti thi. I don't know why. So, ye bahut jagah rokne wala hai mere bag mein. So, written, coming back on this palette. So, this is the Revolution, Makeup Revolution London Kombucha Kiss Shadow Palette. Yeah, bahut bada naam hai. And it came with the huge, oh my god, huge mirror as you can see. And look, wait, focus, oh my god, look at the shade, you guys. आपको आई थिंक जो भी लड़की है जो शोज करती है, नहीं करती है, मेकअप पसंद है नहीं करती है, डेली यूज पे करती है नहीं करती है, थोड़ा ही कभी कभी मेकअप करती है, सब लोग ये पैलेट को यूज कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द शेड्स बिकॉज आप देख सकते हो, बिकॉज जितने भी बार आया, आई एम इन लव विद, मेरे को एक्चुअली बाद में बताऊंगी, बट या कभी अच्छे से बैठ के तो. बिकॉज इसमें एज यू कैन सी सारे मैट्स है और शिमर्स है, एंड शिमर्स इज लाइक वेरी नाइस, आई शो यू. इसमें न्यूट्रल, एक बहुत न्यूट्रल पैलेट है, बट इसमें सम कलर्स लाइक पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, बाकी सारे वेरी न्यूट्रल, वेरी डे टू डे बेसिस पे यूज कर सकते हैं हम वैसे कलर्स है. एज यू कैन सी मैंने इसको सारे कलर्स को यूज किया है एक्सेप्ट दिस येलो एंड ऑरेंज, बिकॉज ये मुझे काम नहीं आता है. ऐसे मैं यूज कर सकती हूँ, बट अभी जब मैं शोज करती हूँ तभी ये काम नहीं आता, और मैं वो पैलेट यूज नहीं करती बिकॉज आई हैव दिस ह्यूज मिरर, एंड आई ऑलवेज कैरी वन मोर मिरर विद मी, बट अभी इसमें है सो मैं नहीं कैरी करूंगी क्योंकि बहुत वजन हो जाएगा. आई यूज दिस इज अ वेरी मल्टीपर्पसिंग पैलेट, जैसे कि आई बताया मैंने ब्लैक शेडो फॉर माई ब्राउज समटाइम मिक्स विद दिस डार्क ब्राउन दिस शेड्स लाइक 1, 2, 3, 4 सेंटर वेरी ट्रांजिशन शेड्स है, वेरी लाइक ट्रांजिशन शेड है, तो मैं उसको एज वैसे यूज करती हूँ. एंड दिस ब्राउन लाइक दिस हीट शेड आई यूज एज माई समटाइम कॉन्टोर, एंड लाइक ब्रॉन्जी थिंग दिस पिंक शेड एंड दिस ऑरेंज शेड आई एम यूजिंग एज माई ब्लशर, एंड दिस शेड इज लाइट अप, सो प्रिटी.
जैसे मैं आईज पे लगाती हूँ इतना प्रिटी लगता है ये. आई शो यू दिस गोल्डन एज वेल. ओ माई गॉड सो प्रिटी है ना. आई नो मुझे पता है बहुत प्यारे शेड्स है. सो फटाफट सो ये बहुत वर्सेटाइल पैलेट है. सो मैं ऑब्वियसली ये पैलेट कैरी करूंगी. मेरी जान है तू, मेरी जान है, माई न्यू ऑब्सेशन. या सो मैं ये कैरी करूंगी. तो एज यू कैन सी मेरा ब्राउ, मेरे कॉन्टोर, माई ब्लश, माई आई शेडो सब कुछ आ गया इसमें. मैं पोजिशन चेंज कर रही हूँ बिकॉज मैं थक भी गई हूँ ना, और मैं एक जगह पर ज्यादा देर बैठ नहीं सकती अभी तो. क्या ओ माई गॉड लुक एट द शाइन डूड. मैं आपको अगर फेस पे बताती ना आपको ग्लो समझता कि इसका कितना सी कितना अच्छा ग्लो है. मुझे पता नहीं बट ओ माई गॉड लुक एट द शाइन डूड. मुझे नहीं पता पहले से आ रही है या पैलेट ये गोल्डन शेडो लगाने की वजह से आ रही है, बट वॉट एवर आई रियली लव इट. फटाफट देन फॉर मस्कारा मैं पहले मेबलिन के मस्काराज यूज करती थी. मैंने स्विच करके आई यूज दिस द मास्क का मस्कारा. दिस इज वेरी अफोर्डेबल वॉशेबल थिंग बिकॉज हम रोज मेकअप करते हैं, रोज रोज लगाना इट्स और लगा के निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. एंड मैं बीच में द लॉरियल का पैराडाइज मस्कारा यूज करती थी, वो अभी भी है मेरे पास, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगी आपको बिकॉज दिस और बहुत अच्छा मस्कारा है आपके लैशेज लुक एट द वंड. मतलब डबल साइड है, बहुत वॉल्यूम देता है, लेंथ देता है, सब कुछ देता है. एंड मुझे बहुत पसंद है, लाइक बहुत सबको ये मस्कारा बहुत पसंद आया जिसने भी यूज किया है. सो मैं आपको भी रेकमेंड करती हूँ गो विद दिस मस्कारा. एक्चुअली ये निकल जाता है वो बहुत अच्छी बात है, बट लॉरियल के मस्कारा के जैसा तीन तीन चार चार दिन तक रहता है लैशेज पे एंड बहुत इरिटेट होता है वो मुझे. सो मैं तो बोलूंगी अच्छा है वो मस्कारा बट डोंट बाय इट. मतलब अब कंटाल जाओगे उसको निकालते निकालते. एंड फॉर लाइनर थिंग ऑलवेज माय फेवरेट द लैक्मे इंस्टा आईलाइनर ऑल टाइम. मैं ये भी कैरी करती हूँ एंड मैं ये भी कैरी करती हूँ द मेबलिन का पॉट लाइनर. बहुत अच्छा है, मैं ये भी कैरी करती हूँ, मैं दोनों कैरी करूंगी. जैसे कि मैंने बताया सिर्फ ग्लिटर के लिए मैं एक वो पैलेट यूज करती थी. सो मेरे पास ये भी था. दिस इज द सॉरी फोकस हो जा. यस दिस इज द स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट एंड दिस इन द शेड 10 और बहुत गोल्डन पिगमेंट है. ये भी मेरे पास बहुत टाइम से था बट मैं जल्दी से यूज नहीं करती थी बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले विथ लूज पाउडर लूज थिंग पिगमेंट्स बिकॉज आपका पूरा मेकअप खराब कर सकता है ऐसा मेकअप आफ्टर अप्लाइंग. मतलब पहले आई शेडो लगाओ देन बेस सो इट्स फाइन बट या बहुत अच्छा है. सो अभी मैं ये कैरी करूंगी, बहुत कूल है. फॉर हाईलाइटर I think this is my Maybelline का Master Chrome Highlighter, everyone's favorite and I show you. Actually ये टूट गया है so मुझे और risk नहीं लेना था, that's why मैंने tape लगाया है. But everyone knows about this and I show you the glow. See? बहुत प्यारा ये हाईलाइटर है बट मैं नहीं कैरी करूंगी क्योंकि आई शेडो पैलेट में ऑलरेडी है. सो यस एंड फॉर लिपस्टिक्स वन सो मेरा लगता है मेकअप सब कुछ यहाँ पे वहां पे हो गया बट आई शो यू इनसाइड की लिपस्टिक जो मैं हमेशा तीन शेड है मैं आई ऑलवेज कैरी विद मी. पहले का तो मैं छोड़ दो अभी का बता रही हूँ. जब से मैंने ये लिपस्टिक ली है दिस इज द इनसाइड कॉस्मेटिक्स लिक्विड लिपस्टिक. दिस इन द शेड 02 रेड अलर्ट एंड दिस इन द शेड 05 कोका प्लम. और एक है मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी वो शेड भी मैं यूज करती हूँ. वेट यहाँ आई एम बैक एंड एक्चुअली मैंने ये मेरी थर्ड बॉटल है बिकॉज ये शेड इतना प्रिटी है. अभी मैं न्यू पैकेजिंग खोल रही हूँ और इफ यू आर वंडरिंग कि ये बहुत अच्छी कूल पैकेजिंग में आता है एंड यू कैन नॉट बिलीव कि दिस प्रोडक्ट इज जस्ट फॉर 90 rupees और 100 rupees. ओ माई गॉड एंड द फिनिश एंड सब कुछ इतना अच्छा है, लाइट वेट है प्लस लॉन्ग लास्टिंग है और आपको क्या चाहिए. एंड दिस इन दिस शेड 25 मोल्टन पिंक जो भी बोलना है वो है. सो इफ आई वॉन्ट और इफ हमको चाहिए कि हमें रेड लिप चाहिए सो मैं इसलिए रेड लेती हूँ. इफ हमको चाहिए कि पिंक लिप्स चाहिए सो मैं न्यूड में थोड़ा ये वाला कैरी करती हूँ. इन इफ हमको चाहिए कि हमको बीच का शेड चाहिए सो ये
ये तीनों शेड बहुत परफेक्ट है इफ यू आर वंडरिंग, मतलब ये शेड सारी स्किन टोन पे जाने वाले, लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं सब, लाइट टू डार्क टू मीडियम टू व्हाइट टू एवरी वन, सबको ये शेड जाने वाला है एंड दैट वाई, दैट इज वाई आई लव इट एंड आई एम रिकमेंड यू गाइज, बिकॉज अब के वैनिटी में ये तीन शेड्स तो होने ही चाहिए. ब्राउन शेड चाहिए तो मैं आपको और एक बताती हूँ, समटाइम्स बिकॉज रेड लिप्स इज जस्ट लाइक बॉस, कुछ मत लगाओ रेड लिप्स लगाओ एंड यू लुक सो कूल, यू सो लुक बॉम सेक्सी सब कुछ. यस सो दैट्स व्हाई मैं फिर से ये तीनों लिप शेड कैरी करूंगी. न्यू शेड माई बेबी आपका लॉन्च हो चुका है. मैं और एक वीडियो बनाऊंगी मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स का और माई लिपस्टिक कलेक्शन और ऐसा कुछ. अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, नहीं बताओगे फिर भी मैं बनाने वाली हूँ. दिस काजल, दिस इज बाय प्लम एंड जेट ब्लैक काजल है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा काजल है. इसके साथ शार्पनर है सो मैं वो भी कैरी करूंगी एंड आई कैरी दिस लिप व्हाट वी कॉल्ड लिप लाइनर और दिस इन दी शेड आई गेस 6, 9 and 5, 8. सो रेड है एक ब्राउन है. अगर सो लिप लाइनर नहीं मैं नहीं कैरी करूंगी एंड फॉर सेटिंग स्प्रे आई हैव द लॉरियल का लॉरियल पेरिस इनफेलिबल प्रो सेट मेकअप फिक्सर. बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार इतना महंगा मेकअप फिक्सर बिकॉज इट्स रिटेल फॉर 1000 rupees एंड नहीं मैं इतना जल्दी से मतलब नहीं. तो मुझे एक मार्स का ट्राई करना है तो मैं वो कैरी करूंगी और वो यूज करूंगी एंड दिस आई सेव इट फॉर माय सम पिक फंक्शन बट मुझे ये यूज करना ही पड़ेगा. अभी मैं ट्राई करूंगी मार्स का भी कि कैसा वर्क करता है क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है और ये भी मेरे ये बैग में जाने वाला है तो मैं वो भी ट्राई करके बताऊंगी. अगर दोनों मैच है तो ये मैं अच्छे फंक्शन के लिए रखूंगी. यस एंड आई ऑल्सो डू कैरी द व्हाइट काजल क्योंकि सम टाइम मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है तो व्हाइट काजल बहुत अच्छा काम करता है. सो येस एंड फॉर मेकअप ब्रशेज मिलेगा कि मैं कौन सा कैरी करूँ. फॉर फाउंडेशन आई गेस आई विल कैरी दिस, ये कैरी करती हूँ बिकॉज इससे बेस बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और फुल कवरेज देता है. ये ब्रश से बहुत फुल कवरेज लगता है. अगर आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट यूज करो अलग अलग फिनिशिंग होती है. मैं सब कुछ अगर आपको ऐसे सीखना है मेकअप के लिए मैं वो भी आपको एक बार बताऊंगी. एंड आई हैव दिस मिनी सो का मेकअप ब्रश. सो मैं कौन सा, आई हैव 3 फाउंडेशन ब्रश सो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कौन सा करूँ. ये आई गो विद दिस, कुछ भी ज्यादा मुझे कैरी नहीं करना. ओके सो यहाँ पे जो चेंज जैसे मैंने पहले बताया मैं वहां पे सब डाल रही हूँ वो. और ये नहीं चाहिए, ये ब्रश आई एम यूजिंग फॉर माई इनर कॉर्नर हाइलाइट्स और यहाँ पे नीचे जो मैं आई शेडो लगाती हूँ उसके लिए मैं स्मच करने के लिए ये यूज करूंगी. फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग अगेन दिस मिनीसो का मेकअप ब्रश, बहुत अच्छा है पिंक कलर क्यूट. उसके पहले जो ब्रश बताया वो पूना स्टोर से था एंड दिस इज वेरी नाइस फॉर कॉन्टोरिंग बट आई डू कैरी दिस पूना स्टोर मेकअप ब्रशेज. दे आर वेरी सॉफ्ट. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस ब्रशेज सो आई विल मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पर जाके चेक कर लेना. एंड दिस शेड इज आई ओनली, अगर आपको ज्यादा भी ब्रश कैरी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई कैन डू इससे ही. ओ मिल गया दूसरा लिपस्टिक, सी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. और मैं ये दोनों लूंगी, ये फॉर माय ब्लश, दिस फॉर माय कॉन्टोरिंग थिंग. पाउडर के लिए आई डू प्रिफर पफ जो उसके साथ आता है. आई गेस दैट इज इट, इतने सारे इतने ज्यादा नहीं, सबको गिन के 5 ब्रशेस चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए. यस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बम ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज बाय ब्यूटी ब्लेंडर. ओके ब्रांड का नाम ही है ब्यूटी ब्लेंडर. बहुत गंदा हो चुका है आई नो, है ना, अभी इतना सॉफ्ट है. जब मैं टैप मतलब उसको डैप करती हूँ, जब उसको मैं लाइक क्या बोलते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ तो क्यों मुझे समझ नहीं आया कैसे बोलूं. सो वो साइज और बड़ी हो जाती है और सॉफ्ट हो जाता है और फाउंडेशन प्रोडक्ट को ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करता. सो मैं ये भी कैरी करूंगी. सो यस That is my makeup pouch and मैंने बहुत सारा makeup like carry नहीं किया है. Proud of me and we are done with our packing as well. So thank you guys for watching this video till the end. So I hope you all love this video, enjoy this video.
If you do, so do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.